स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खाटू श्याम जी का एक भव्य जागरण 14 तारीख को होने जा रहा है और आज उसी निमित्त एक भव्य निशान साहिब यात्रा जो चल रही है। बरसात के कारण से थोड़ा समय बदलाव जरूर हुआ है, जो दोपहर 4:30 बजे चलनी थी अब 5:30 लगभग 6 बजे का समय हो गया है। तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं भव्य दरबार खाटू श्याम जी का सज चुका है। पंकज शर्मा जी बैठ चुके हैं पंडित के रूप में और देखिए पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और निशान साहिब उठाए हुए हैं। दूर तक सुंदर सुंदर झांकियाँ इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं और 14 तारीख को जो है यात्रा होगी। करते हैं बात किसी बंधु से। जी क्या कुछ जानकारी देंगे 14 तारीख के बारे में? 14 तारीख को श्री श्याम जी का और श्री बालाजी का हमारा तीसरा कीर्तन है जी, संकीर्तन। जी 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 अनाज मंडी सडोरा में जी शाम को 7 बजे शुरू होगा, जिसमें भजन गायिका आएगी परविंदर पलक जी जी और रोशन प्रिंस जी चंडीगढ़ से जी। तैयारियाँ अंतिम चरण में हो चुकी है, अंतिम चरण में बस थोड़ा बारिश के कारण डिले हो रही है, तो खैर नहीं रहेगी मुझे लग रहा है, बाकी तैयारियां हमारी पूरी। आज का क्या कार्यक्रम है? अभी बाबा जी की निशान यात्रा है जी, जी जी शाम ध्वजा के साथ बाबा जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है जी जी, बालाजी की और साथ में पीछे है जगन्नाथ जी की। तो शोभा यात्रा में हेमंत जी क्या कुछ है मामला? शोभा यात्रा में जी बालाजी की शोभा यात्रा में लेके आएंगे जी और जगन्नाथ जी और खाटू श्याम जी के जी, मतलब की और निशान साहब उठाए हुए हैं, अलग अलग झांकियां हैं। हाँ जी, तो निमंत्रण दीजिए। हाँ जी बिंदु साहब, सभी सडोरावासी से निवेदन है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंडी में अनाज मंडी में पहुंचे। कितना कितना कितने बजे है? कल शाम 7 बजे से प्रभु इच्छा नहीं अनाज मंडी में ये कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, अभी हमने बातचीत की आयोजकों के द्वारा, जो आयोजन हो रहा है काफी कुछ है। हाँ सचिन जी, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम तो धार्मिक सडोरा में होते ही रहते हैं जी जी। लेकिन इसका अपना एक अलग ही माहौल है, भव्य शोभा यात्रा भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में निकल रही है और बारिश होने के बाद भी लोगों में उत्साह पूरा है कि लोग पूरे आए हुए हैं और आयोजक हैं। आयोजकों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आयोजकों को ऐसे आयोजन समय समय पर करवाते रहने चाहिए। तो बरसात कुछ बाधा तो बनी है सचिन जी, लेकिन चलो आपका मौसम खुला है। चलिए तो देख सकते हैं कि शोभा यात्रा निशान साहब यात्रा आप अपने मुखिया बाजार से गुजरने की तैयारी, थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं जी जी, आगे थोड़ा देखते हैं दृश्य। भगवान श्री राम जी जो रामलला पर का दृश्य है वो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है और इसके बाद सुंदर सुंदर झांकियाँ भी आपको नजर आएंगी और पंडित पंकज शर्मा जी से भी हम बात करेंगे रथ पर सवार। पंडित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी से कहना चाहता हूँ हर वर्ष की तरह तीसरा संकीर्तन बाबा खाटू श्याम जी का होने जा रहा है, जिसपे 13 तारीख को बाबा की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कल नई अनाज मंडी में बाबा का संकीर्तन होगा जिसमें रोशन प्रिंस जी आ रहे हैं और शहर को सभी से प्रार्थना है कि वह सब उस कीर्तन में आए और बाबा का आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो खाटू नरेश की जय। तो ये है हमारे पंकज जी, हमारे छोटे भाई पूरे व्यवस्था में लगे हुए हैं और देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर झांकियों के सत्र से पहले मातृशक्ति जो है उठाए हुए हैं, ध्वज उठाए हुए हैं निशान साहिब। खाटू श्याम जी की बहुत बहुत कृपा है। तो कैसा लग रहा है जी? हाँ जी बहुत बढ़िया लग रहा है जी। हाँ जी बहुत बढ़िया लग रहा है जी, खाटू श्याम जी के दर्शन कर रहे। हाँ जी, हाँ जी बहन जी क्या कुछ कहेंगे? निशान साहिब में शामिल है आप? हाँ जी खाटू श्याम बढ़िया लग रहा है, हर साल आते हैं। धन्यवाद है हमारी उसको कि भी हमें दर्शन करने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देख सकते हैं मातृशक्ति लगी हुई है। चलिए और आगे ही बात करते हैं, आज फिर निशान साहिब जय श्री श्याम जी। बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान ने थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा प्रोग्राम लेट है, लोगों के अंदर उत्साह पूरा है। जय श्री श्याम जय श्री श्याम जी। हाँ जी बहन जी क्या कुछ कहेंगे आप? अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत अच्छा। जय श्री श्याम जय श्री श्याम। तो सभी बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं और लेडीज भी बहुत खुश है, देख सकते हैं झांकियाँ सुंदर सुंदर झांकियाँ। हर्ष आनंद जी भी हमारे लगे हुए हैं अपनी सवारी के साथ सेवा करते हैं और देख सकते हैं दूर तक आयोजक भी एक विशेष पोशाक के अंदर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप के साथ रमेश जिंदल जी। रमेश जिंदल जी क्या कहेंगे आज के बारे में? आज खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं झंडा यात्रा जी, और झंडा यात्रा जो है पूरे बाजार में से होते हुए अनाज मंडी में जाएगी और वहां पर खाटू श्याम जी का स्वागत किया जाएगा। ठीक बात, धन्यवाद। तो देख सकते हैं झांकियां सुंदर झांकियां कहीं ना कहीं हमारे सुधीर जंगदू जी का द्वारा ये तैयार की जाती हैं, श्री गणेश जी भगवान
गणपति बापा मौर्या। और आगे आगे तो आगे हम बढ़ते हैं तो ये शोभा यात्रा अब रवाना हो रही है निशान साहब के साथ। देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर स्वरूप के अंदर। चमन जी नमस्कार जी, जय श्री राम। बच्चों में बहुत उत्साह है, हर व्यक्ति में उत्साह है। आखिरकार खाटू श्याम जी का निशान साहब यात्रा जो है, यहाँ पर भी ठाकुर जी विराजमान है। हरे राम हरे राम, राम राम जगन्नाथ जी। चलिए दर्शन कीजिए जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी यहाँ पर विराजमान है, भव्य जगन्नाथ यात्रा भी हम कह सकते हैं, देख सकते हैं। तो जानना चाहेंगे क्या स्वरूप रखा हुआ यहाँ पे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जी महाराज का स्वरूप यहाँ विद्यमान है। हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से जी, करेंटली हम यमुनानगर में रह रहे हैं। अच्छा, तो स्पेशल इसे बुलावे पर जी, बुलावे पर। चलिए जी, बहुत वृंदावन माहौल बनेगा। चलिए अब सालासर धाम की तरफ चलते हैं। सालासर जी भगवान नजर आ रहे हैं, वो भी आप दर्शन करेंगे। तो देखिए सालासर जी धाम की जय, सालासर भगवान की जय। विराजमान है सबका कल्याण करने वाले। तो बहुत सुंदर झांकी के साथ ये यात्रा अब यहाँ से रवाना होने जा रही है। आयोजकों द्वारा बड़ा अच्छा प्रयास, पिछले कई दिनों से ये बंधु भाई बंधु लगे हुए थे, तो आज इनका प्रयास जो है फल रहा है। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देख सकते हैं संत बीजन वृंदावन से जो संबंध रखते हैं, यहाँ पर अपने विशेष सुरधन के साथ, सुर ताल के साथ अपना गायन करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार का दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। सभी बंधु व्यवस्था में लगे हुए हैं, बहुत ही उत्साह का एक माहौल यहाँ पर देख सकते हैं। जय श्री श्याम, ये देखिए जय श्री श्याम, बड़ा उत्साह नजर आ रहा है इस वक्त। जय श्री श्याम के उद्घोष के साथ काफी संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं। बड़ा उत्साह टीम के सदस्यों में, लोगों में भी आखिरकार खाटू श्याम जी की निशान साहब यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहां पर मार्ग दर्द तंग हो गया है, जाम लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं। बंदा बैठा लो, देखो आप अपना थोड़ा सा फ्रंट को भी ले लेते हैं। बिना बैंड बाजों की अगुवाई में तो कोई भी शोभा यात्रा अच्छी नहीं लगती, तो आप देखते हैं बैंड बाजों की अगुवाई। सरोरा का ही शारदा बैंड, तो आप देख सकते हैं निशान साहिब की ये यात्रा, श्री खाटू श्याम जी की ये भव्य सुंदर सलोनी यात्रा अब सडौर के मुख्य बाजार की तरफ निकल पड़ी है। तो आप सभी भी इसमें शामिल हों, और साथ ही आपको पता ही है कि 14 सितंबर का दिन, श्री खाटू श्याम जी का दिन, कुछ समय खाटू श्याम जी की महिमा का गुणगान सुनने के लिए आप अवश्य नई अनाज मंडी में देर शाम पहुँचें। बहुत अच्छे कलाकार, जैसे कि बताया गया, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ पर बुलाए गए हैं जो कि खाटू श्याम जी की महिमा का गुणगान करेंगे। तो आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। जय श्री खाटू श्याम जी की।